हेलो फ्रेंड्स, मैं सर डॉक्टर सुशीला सैनी, गायनेकोलॉजिस्ट ऑब्स्टेट्रिशियन। आज हम बात करने जा रहे हैं कि क्या पेड़ों में दर्द भी बच्चा नहीं लगने का कारण होता है। तो जी हाँ, ज़रूर हो सकता है। लगातार यदि आपके पेड़ों में दर्द बना रहता है और आपको प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, तो हो सकता है कि आपको यूट्रस के आसपास के एरिया में इन्फेक्शन हो गया हो, जिसको कि हम PID बोलते हैं। PID के कारण ट्यूब्स में कई बार सूजन आ जाती है, फुलावट आ जाती है या ब्लॉक हो जाती है। दूसरा एक मोटा कारण होता है एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियोसिस के कारण भी ट्यूब और ओवरीज का रिलेशन बिगड़ जाता है, अंडेदानी में अंडे बनने में प्रॉब्लम आने लग जाती है, और अंदर का लेयर का अगर सूजन आ जाता है एंडोमेट्रियोसिस के कारण, एंडोमेट्राइटिस हो जाता है या एडिनोमायोसिस हो जाता है, तो भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो पेड़ों में दर्द के जो मोस्ट कॉमन कारण है, यानी कि PID, एंडोमेट्रियोसिस या कोई फाइब्रोइड या कोई सिस्ट, इन सब के कारण आसपास का एनवायरनमेंट इतना ज़्यादा ख़राब हो जाता है जिसके कारण कि बच्चा लगने में तकलीफ़ आती है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि रोज़ाना पेट में दर्द होता है, हस्बैंड से मिलने में तकलीफ़ आ रही है, तो एक बार ट्रांस वजाइनल सोनोग्राफी, यानी कि वजाइना के द्वारा जो सोनोग्राफी होती है, वो ज़रूर करवा लीजिए, जिससे कि एक बार यूट्रस के आसपास का एरिया को क्लियर कट एग्जामिन किया जा सके, ये देखा जा सके कि यूट्रस के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं एंडोमेट्रियोसिस तो नहीं, कोई फाइब्रॉइड पॉलिप या सिस्ट तो नहीं है। और यदि बहुत ज़्यादा वाइट डिस्चार्ज आता है, तो डिस्चार्ज के सफ़ेद पानी की जाँच होती है, जिसको कल्चर सेंसिटिविटी टेस्ट कहते हैं, जिससे कि ये पता चल जाता है कि आपके अंदर कौन सा कीटाणु बढ़ रहा है या कौन से बैक्टीरिया ग्रो कर रहे हैं और उसमें कौन सी एंटीबायोटिक काम करेगी। जब ये सारा इवैल्यूएशन हो जाता है, तो डेफिनेटली उसका इलाज भी हो जाएगा और आपको प्रेगनेंसी भी मिल जाएगी। तो एक अच्छी प्रेगनेंसी के लिए हेल्दी बॉडी के साथ आप शुरुआत कीजिए, और यदि पेड़ों में दर्द बना रहता है और प्रेगनेंसी की कोशिश भी कर रहे हैं, तो आई डोंट थिंक कि यू विल एंजॉयिंग योर रिलेशनशिप, क्योंकि यदि लगातार दर्द है तो हस्बैंड से मिलने में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। ऐसे स्थिति में यदि इलाज पहले करा लेंगे, तो यू विल एंजॉय योर रिलेशनशिप और प्रेगनेंसी होने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। अगर आपको भी इसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के अपनी प्रॉब्लम लिख सकते हैं और अपना मोबाइल नंबर शेयर कर सकते हैं, ताकि हमारे जो हेल्थ काउंसलर हैं, वो आपसे बात कर सकें और आपको गाइड कर सकें। थैंक यू सो मच।